गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था 2x2, 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं और आइगन वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमने डिस्कस किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए क्या लिखा गया है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई ए मैट्रिक्स इक्वेशन अदर देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई ए मैट्रिक्स इक्वेशन अदर देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करता ही है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको तो सेटिस्फाई करता ही है, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैट्रिक्स सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अलावा भी और भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा, जरूरी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अलावा भी किसी भी मतलब कोई मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो समझ में आएगा। ये तुम 2x2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज कैलकुलेशन आसान होगा। 3x3, 4x4 लेंगे तो कैलकुलेशन अननेसेसरी लेंदी हो जाएगा, वो तो हमारा एम है नहीं कैलकुलेशन लेंदी करना। सपोज फर्स्ट ए मैट्रिक्स 1 0 0 1, फिजिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड बी मैट्रिक्स -1 0 0 -1 एंड थर्ड वन 1 0 0 -1। सपोज ये 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब ये इनके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ही, इनके अलावा भी डिफरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। मतलब पहले अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करो, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा λ² -2λ+1=0। जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा λ² + 2λ+1=0 एंड थर्ड वन λ² -1=0। कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, कोई स्टैंडर्ड टेक्निक, ठीक है। या कल हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम जब डिस्कस किया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट बताया गया था, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट बताया गया था वो भी आप यूज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि तीनों मैट्रिसेस का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें, वी कैन राइट a² -2a+i=0। अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम बी मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो वी कैन राइट b² + 2b+i=0 एंड थर्ड वन λ² -1=0, सो c²
माइनस आई इक्वल टू सी। तो ए बी सी तीनों मैट्रिसेस जो है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हम लिख सकते हैं। अब यहां पे बोला गया है जब मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अलावा भी दूसरे मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है। अब चेक करके देखिए, अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स तीनों ही इस फॉर्मेट के जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो और सी स्क्वायर माइनस आई तो जीरो है ही। अब तीनों मैट्रिक्स के लिए चेक करके देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे हमें पता है। अब ए स्क्वायर माइनस आई कैलकुलेट करो वो जीरो आएगा, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमें पता है, अब बी स्क्वायर माइनस आई कैलकुलेट करो जीरो आएगा। सी मैट्रिक्स पता है, सी स्क्वायर माइनस आई कैलकुलेट करो जीरो आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो मैं ऊपर लिखा गया था, ये जो ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये क्या मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये फॉर्मेट है। तो मैट्रिक्स ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली बी मैट्रिक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, बट बी मैट्रिक्स इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी के केस में दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेने का डिस्कस करने का मतलब है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई ए मैट्रिक्स इक्वेशन अदर देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, लेकिन मैट्रिक्स इस इक्वेशन के अलावा भी डिफरेंट इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर सकता है। बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, बट बी मैट्रिक्स इसके अलावा दूसरे मैट्रिक्स इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे लिखा गया है जो ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या बी मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं मान सकते, बिकॉज मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अलावा भी डिफरेंट इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकता है। तो बी केयरफुल, जब बोला गया मैट्रिक्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लिया, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए जो गिवन इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। जैसे इसी में अगर दिया रहता बी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बी मैट्रिक्स का? नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो अलग है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर सकता है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैट्रिक्स ए जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी मैट्रिक्स भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जिस कंडीशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा उसको आइगेन वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, जो मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखिए। तो पहले मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, सपोज क्वेश्चन में बोला गया मैट्रिक्स ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो। मैट्रिक्स गिवन नहीं है, जस्ट बोला गया मैट्रिक्स ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैंने बोला इसका मतलब नहीं है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा इसका, ठीक है, बट हम बोल सकते हैं जिस इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को आइगेन वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन और माइनस वन।
अब यहां पे एक चीज बता दिया जाए, ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक मैट्रिक्स पता नहीं है तब तक नहीं बोल सकते। ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग आइगन वैल्यू क्या आया? 1-1। तो यहां पे आप बिल्कुल नहीं बोल सकते जो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1-1 ही होगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम ये बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइदर +1 होगा और -1 होगा। जो आइगन वैल्यू है वो आइदर +1 होगा और -1, मतलब सारे आइगन वैल्यूज +1 भी हो सकते हैं, सारे आइगन वैल्यूज -1 भी हो सकते हैं, कुछ +1 कुछ -1 भी हो सकता है। यहां से आप एग्जैक्ट आइगन वैल्यू नहीं बता सकते, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जरूरी नहीं है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता तो हम फिक्स्ड बोल देते आइगन वैल्यू 1-1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। बट ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होना जरूरी तो नहीं है, तो ये आइदर 1 होगा और -1 होगा। आप चेक करके देखिए, ये जो ए मैट्रिक्स यहां पे लिया गया था उसके लिए क्या a²-i कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? आंसर इज नो, नो सर। और यहां पे जो आइगन वैल्यू आया, सपोज आपने बोल दिया जिस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 और -1 है, ये इंफॉर्मेशन है, आपने बोल दिया 1-1 है, तो क्या सही होगा? इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है? 1-1। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू तो 1-1 है ना, तो अगर आपने बोल दिया 1-1, ऑप्शन में गिवन है आपने 1-1 बोल दिया, वो गलत होगा। तो सिंस ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, इसीलिए इससे जो रिजल्ट आएगा उससे सिर्फ हम ये बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स के पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है सारे आइगन वैल्यूज +1 हो जाए, सारे आइगन वैल्यूज -1 हो जाए, या कुछ +1 कुछ -1 आ जाए। जैसे जो ए मैट्रिक्स है उसमें दोनों क्या है? +1, -1 है ही नहीं। ऐसे अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, बी मैट्रिक्स भी सिमिलर टाइप के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। b²-i = 0। बट ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जरूरी थोड़ी ना है, तो यहां से भी आप लिख सकते हैं λ²-1 = 0। दैट मींस बी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो भी आइदर +1 होगा और -1 होगा। इसका मतलब नहीं है 1-1 ही होगा, जो भी आइगन वैल्यू है वो आइदर +1 और -1, सारे +1 भी हो सकते हैं, सारे -1 भी हो सकते हैं, कुछ +1 कुछ -1 भी हो सकता है। तो बताइए, जो हमने कुछ देर पहले बी मैट्रिक्स लिखा है उसका आइगन वैल्यू क्या है? -1, -1, -1, -1, सारे -1 है, 1 तो है ही नहीं। तो ये देख के अगर आपने बोला आइगन वैल्यू 1-1 है तो गलत होगा, बिकॉज ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। मैट्रिक्स बी इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता वहां से हम एग्जैक्ट आइगन वैल्यू बता देते। जैसे अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें, मैट्रिक्स सी भी इसी टाइप के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, c²-i = 0। यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करो λ²-1 = 0, यहां से आएगा λ = +1 और -1। अब मुझे बताइए, जो सी मैट्रिक्स था उसका आइगन वैल्यू क्या आया था? +1 -1। ये एग्जैक्टली मैच क्यों कर रहा है इसके साथ? बिकॉज ये जो इक्वेशन दिया गया है ये सी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है वो सी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, इसीलिए इससे जो 1-1 आ रहा है वही सी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। लेकिन a²-i = 0 और b²-i = 0 ये ए और बी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। तो इससे जो रिजल्ट आए उससे हम सिर्फ क्या बता सकते हैं?
पॉसिबल आइगन वैल्यूज बता सकते हैं और कुछ नहीं बता सकते। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो आप एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज बता सकते हैं, जैसे सी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो, ये सी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज है। लेकिन ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो, ये ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, तो इससे सिर्फ हम पॉसिबल आइगन वैल्यूज बता सकते हैं, एग्जैक्ट क्या होगा हम नहीं बता सकते, ये यही होगा ये ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा लिख के रखिए, राइट डाउन। इफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, इफ द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स कॉमा देन वी कैन determine the exact eigenvalues, we can determine the exact eigenvalues of the matrix from that equation. We can determine the exact eigenvalues of the matrix from that equation. Next point, if the given matrix equation, if the given matrix equation is not the characteristic equation of the matrix, if the given matrix equation is not the characteristic equation of the matrix, comma, then hello sir, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर, क्लियर है सर, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया है सर। आप कुछ नहीं लिख रहे हैं? नहीं नहीं लिख नहीं रहा हूं मैं, जस्ट डिटेक्ट कर। इज नॉट द, then repeat kar raha hu, if the matrix equation is not the characteristic equation of the matrix comma then we can only determine the possible eigenvalues of the matrix. We can only determine the possible eigenvalues of the matrix. तो given matrix equation अगर characteristic equation है तब तो हम matrix के exact eigenvalues क्या होंगे वो calculate कर सकते हैं, लेकिन given matrix equation अगर characteristic equation नहीं है तो उस case में सिर्फ हम possible eigenvalues बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे either one और minus one, सारे आइगन वैल्यूज वन भी हो सकते हैं, सारे माइनस वन भी हो सकते हैं, कुछ प्लस वन कुछ माइनस वन भी हो सकता है। हम सिर्फ पॉसिबल आइगन वैल्यूज बता पाएंगे अगर गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर अ पॉइंट एवरीवन? सर सर इसमें भी तो कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, जैसे आइदर और वाले जो हमने ऊपर लिए हैं लेकिन ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है ना, इसी वजह से हम कन्फाइन हो गए वन और माइनस वन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना पता होता तब तो हम इसमें भी बोलते आइदर वन और माइनस। यस सर, थैंक यू सर। हम लोग एग्जांपल मैट्रिक्स ही आएगा ना, क्या पहले वाली नोट किया है आपने, उसका एग्जांपल मैट्रिक्स ही आएगा ना, जो पहला पॉइंट बताया गया उसका एग्जांपल सी मैट्रिक्स है, जो दूसरा पॉइंट बताया गया उसका एग्जांपल ए एंड बी मैट्रिक्स। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बताइए।
सर ये जो हमने मैट्रिक्स ए बी और सी के लिए ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर माइनस आई सी स्क्वायर माइनस आई जो ये लिखी है सर पर्टिकुलर यही क्यों लिखा है ये कैलकुलेट करके देखिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है ठीक है इसको आप ऐसे थोड़ा समझ सकते हैं आप एक चीज बताओ ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर माइनस इसलिए लिखा है जैसे ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या आएंगे 1 1 आएगा ना 1 1 आएगा तो आप मुझे बताइए जब आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे ये बेसिकली क्या है लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर ही तो है तो लैम्डा माइनस 1 ये फैक्टर दो बार आ रहा है आप चेक करके देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो लिखा गया है जिसको हमने ये लिखा इसके अंदर भी एक फैक्टर क्या है लैम्डा माइनस 1 नहीं है अच्छा, जो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू था वो फैक्टर यहाँ पे है जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें इसको आप क्या लिख सकते हो लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर तो लैम्डा प्लस 1 फैक्टर दो बार आया ये जो बी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो लिखा गया इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये आएगा इसमें एक फैक्टर का लैम्डा प्लस 1 नहीं आएगा ठीक है तो इस सेंस में इसीलिए वो सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर भी इन इक्वेशन में प्रेजेंट होगा जैसे यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 दो बार है लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 दो बार है यहाँ पे भी लैम्डा प्लस 1 प्रेजेंट होगा ठीक है तो सर हम ये वाली इक्वेशन को सर जनरल इक्वेशन मान सकते हैं और बाकी मैट्रिसेस के लिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है हर मैट्रिक्स से अलग अलग होगी सर जो नेक्स्ट पेज पे सी की आइगन वैल्यू लिखी है उसमें सर वो 1 और माइनस 1 दोनों आएगी ना 1 और माइनस 1 कैसे हो गए 1 और सपोज आपको ये नहीं पता होता सपोज ये पता नहीं है तो आप कैसे बोलते फिर तो नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते ना इसीलिए मैंने 1 और माइनस 1 लिखा है अगर आपको ये पता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तब तो 1 कॉमा माइनस 1 लिखना ठीक है ओके एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर इस पार्ट से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट क्वेश्चन में बोला गया है एम बी ए 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स एम एक 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स है ओके एम एक 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12y इक्वल टू जीरो ठीक है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एम गिवन दैट द ट्रेस इज 10 इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताइए अगर आपको ट्रेस 10 गिवन है तो डिटरमिनेंट बाद में कैलकुलेट करेंगे पहले बताइए इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन गिवन है इससे हम मैट्रिक्स का एग्जैक्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या पॉसिबल आइगन वैल्यूज पॉसिबल पॉसिबल सो एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज कैसे एग्जैक्ट ये क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 2x2 की है ना ये तो बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो भी नहीं सकता बिकॉज आप चेक करके देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो क्यूबिक इक्वेशन आना चाहिए ना तो 3x3 हर्मिशियन मैट्रिक्स है या 3x3 मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो क्या आना चाहिए क्यूबिक इक्वेशन आना चाहिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है बोलना और क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया गया है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जस्ट मैट्रिक्स इक्वेशन बोला गया है तो 3x3 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन होगा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो इट इज नॉट ए द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है और ये हो भी नहीं सकता 3x3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्यों भी आना चाहिए ये तो क्वाड्रेटिक है इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ओके
तो इससे हम एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज तो नहीं बता सकते, हम पॉसिबल आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन को लैम्डा भी सेटिस्फाई करेगा, ये जो इक्वेशन है इसको लैम्डा भी सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको लैम्डा भी सेटिस्फाई करेगा। इससे आप बताइए मैट्रिक्स के पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यूज होंगे वो आइदर 3 और 4 होंगे। ऐसा भी हो सकता है सारे आइगन वैल्यूज 3 हो, या सारे आइगन वैल्यूज 4 हो, या कुछ 3 कुछ 4 हो, जस्ट ये बोल सकते हैं आइदर 3 और 4। इसके अलावा तो कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। अब एग्जैक्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में और एक कंडीशन गिवन है, क्या? ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज 10। जो मैट्रिक्स M है उसका ट्रेस 10 है। ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 3, 4। तो देखिए 3 और 4 के कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए ये सम 10 आ सकता है? 4, 3, 4। बिकॉज आइगन वैल्यू 3 या 4 ही हो सकता है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 3, 3, 4। इन तीनों का सम 10 बनेगा और किसी कॉम्बिनेशन में ये 10 नहीं बन रहा है, तो आइगन वैल्यू पता चल गया। अब पूछा गया डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। डिटरमिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। सेकंड ऑप्शन 36। तो पहले हमने पॉसिबल आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, फिर क्वेश्चन में ट्रेस का कंडीशन गिवन था जो ट्रेस 10 होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने आइगन वैल्यू का वैल्यू पता कर लिया 3, 3, 4। फिर डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। अगर क्वेश्चन में ये ट्रेस गिवन ना होता, सपोज क्वेश्चन में ये ट्रेस गिवन ना होता, तो ये एग्जैक्ट आइगन वैल्यू पता करना पॉसिबल नहीं था। ये एग्जैक्ट आइगन वैल्यू हमने कैसे पता किया? बिकॉज क्वेश्चन में ट्रेस गिवन है। ट्रेस अगर ना दिया होता तो हम एग्जैक्ट आइगन वैल्यू पता नहीं कर सकते। ये ट्रेस वाला जो कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है इसमें एनीवन? सर इसमें जैसे आपने कहा कि या तो 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, हाँ? ऐसा में भी तो हो सकता है कि वो जो डबल ये 3, 3, 4 आइगन वैल्यू आए हैं ये 3, 3 ना होकर कुछ और हो सके, तो ट्रेस तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या हम कुछ बोल सकते हैं? 5, 1 क्या? 5 और 1। 5 और 1 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नो सर। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस में तो रिजल्ट बताना है ना। ओके सर। ऐसे जैसे आप बोल रहे हो 5, 1, कोई बोलेगा 4, 2, कोई बोलेगा 3, 3, जैसे बोला कुछ भी बोल सकता है ना, या किसी ने बोला 9/2, 3/2, ऐसे ही बोल सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे आंसर बताना है। ओके यहाँ ट्रेस नहीं दे के डिटरमिनेंट दे दे फिर भी तो निकाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए तभी हम पॉसिबल मतलब एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। यहाँ से सिर्फ जैसे 3 और 4 है ना, तो यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता और कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन है नहीं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इस इंफॉर्मेशन से आइगन वैल्यूज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताइए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं गिवन है। तो सारे आइगन वैल्यूज 3 भी हो सकते हैं, तो 3, 3, 3। सर हर्मिशियन की कंडीशन से क्या पता चल रहा है यहाँ पे 3×3? आइगन वैल्यूज रियल है। ओके सर। कुछ आइगन वैल्यू 3, कुछ आइगन वैल्यू 4 भी हो सकता है, तो 3, 3, 4 या 3, 4, 4 भी हो सकता है।
जैसे अभी किसी ने बोला कोई दूसरा आइगन वैल्यू भी तो आ सकता है ना, ठीक है, दूसरा आइगन वैल्यू आने का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते। जो इन्फॉर्मेशन है उससे सिर्फ ये बता सकते हैं, और एग्जैक्ट आइगन वैल्यू ये होगा उसके लिए ट्रेस पता होना चाहिए। हाँ बताइए। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिए तो ट्रेस गिवन नहीं होगा ना, नहीं ऑब्वियसली, अगर ट्रेस ना गिवन होता तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये चार हो सकते हैं, और इसमें से ट्रेस 10 किस में आ रहा है, इस वाले में, इसलिए ये कंसीडर कर रहा है। अगर ट्रेस ना गिवन होता तो हम सिर्फ ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बता सकते थे, ट्रेस गिवन है इसलिए हमने एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो बता दिया इन चारों में से। हेलो सर। हाँ बताइए सर, यहाँ पर यदि हर्मिशियन वर्ड जैसे नहीं होता तो क्या चेंजेस होता जैसे सॉल्यूशन में? ऐसा सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, इस इंफॉर्मेशन से हम यही कर सकते हैं। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से हम यही कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल अगर कुछ दूसरा कोई बोले 5-1 क्यों नहीं ले रहे हैं, 5-1-4 ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ट्रेस 10 अगर है तो आइगन वैल्यू का कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो भी आइगन वैल्यू लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो हर्मिशियन मेंशन नहीं किया गया है कुछ भी। A is a matrix which satisfies the condition A square equal to I and trace of A equal to 0. तो A एक matrix है जो इस condition को satisfy करता है, A square equal to I and trace of A equal to 0. ठीक है, इस condition को satisfy करता है। A क्या है? N cross N matrix। अब बताइए जो ए स्क्वायर इक्वल टू आई गिवन है ये क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? कुछ बोला गया है? नहीं सर, बोला भी नहीं गया। और अब चेक करके देखो, ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, जैसे बोला गया आई एन क्रॉस एन है, तो आई अगर एन क्रॉस एन है तो ए भी क्या होगा? एन क्रॉस एन। तो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा? एन, एन एथ ऑर्डर। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन nth ऑर्डर का होना चाहिए, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम जस्ट क्या बोल सकते हैं, आइगेन वैल्यू भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा के पॉसिबल वैल्यूज हमें पता चल जाएंगे, क्या क्या होगा? प्लस माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1। अब बताइए ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू आई मैट्रिक्स है, इस टाइप के मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी, बिल्कुल, ए स्क्वायर इक्वल टू आई मतलब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का एक प्रॉपर्टी कल बताया गया था, आइगन वैल्यू आइदर प्लस 1 होता है और माइनस 1 होता है। देखिए जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू आइदर प्लस 1 होगा और माइनस 1, सारे प्लस 1 भी हो सकते हैं, सारे माइनस 1 भी हो सकते हैं, कुछ प्लस 1 कुछ माइनस 1 भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन में और एक कंडीशन गिवन है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए अगर 0 ना गिवन होता तब तो बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते, लेकिन ट्रेस ऑफ ए 0 ये देने की वजह से हम एग्जैक्ट आइगन वैल्यूज क्या है उनके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और यहाँ पे कितने आइगन वैल्यूज हैं? दो नहीं, इन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, दो क्यों आइगन, दो तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज है, उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2
अप टू लैम्डा एन। तो एन आइगेन वैल्यूज का जो सम है वो कितना होना चाहिए, जीरो। एंड ये जो आइगेन वैल्यूज है ये क्या क्या हो सकता है, आइदर प्लस वन हो सकता है या माइनस वन, और तो कुछ पता ही नहीं हमें, तो आइदर प्लस वन हो सकता है या माइनस वन, और इन सबका सम जीरो होना चाहिए। तो बताइए वन हो सकता है या माइनस वन, और इनका सम जीरो होना चाहिए, कब कैसे पॉसिबल है ये, राइट। जितने आइगेन वैल्यूज प्लस वन आए उतने ही आइगेन वैल्यूज माइनस वन आए। जैसे सपोज आपके पास टोटल 10 आइगेन वैल्यूज है, सपोज n 10 है, अगर आपके पास टोटल 10 आइगेन वैल्यूज है तो 5 आइगेन वैल्यूज प्लस 1 आए, 5 आइगेन वैल्यूज माइनस 1 आए, तो सम कितना आ जाएगा, जीरो। तो हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यूज, हाफ मतलब n by 2, टोटल n आइगेन वैल्यूज है, हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू प्लस 1 एंड हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू माइनस वन, तभी ये सम जो है वो जीरो आ सकता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है, डी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया, देखिए ए मस्ट बी ऑड डायमेंशनल, ए मस्ट बी इवन डायमेंशनल, मतलब उसके ऑर्डर की बात की गई है। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए का ऑर्डर ऑड होगा, डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए का ऑर्डर इवन होगा। तो अब देखिए हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यू प्लस वन होना चाहिए, हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यू माइनस वन होना चाहिए, इसका मतलब ये जो एन बाई टू है ये एन बाई टू इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होगा या हाफ इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए ना, जो हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यूज प्लस वन हाफ ऑफ द माइनस वन, तो n by 2 इंटीजर, n by 2 इंटीजर होने का मतलब n क्या होगा, इवन इंटीजर, टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n शुड बी इवन इंटीजर, और n रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यू प्लस वन, हाफ ऑफ द आइगेन वैल्यू माइनस वन, तो n को इवन इंटीजर होना पड़ेगा। जैसे आपके पास 6x6 मैट्रिक्स है, इवन ऑर्डर, 6x6 मैट्रिक्स के कितने आइगन वैल्यूज होंगे, 6 आइगन वैल्यूज होंगे, 3 प्लस 1 3 माइनस 1, सम कितना होगा, जीरो। लेकिन अगर ऑड ऑर्डर होता है, जैसे 5x5 में 5 आइगन वैल्यूज होंगे, अब बताइए 5 आइगन वैल्यूज में आधे प्लस वन आधे माइनस वन हो सकते हैं, नहीं, नो सर, नहीं हो सकते है ना, आइदर 3 प्लस वन होंगे 2 माइनस वन होंगे, या 3 माइनस वन 2 प्लस वन, इक्वल नंबर तो नहीं हो सकता हाफ हाफ। तो n बाई टू इंटीजर होने के लिए n को इवन इंटीजर होना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, ठीक है, ऑड ऑर्डर में आप हाफ हाफ नहीं कर सकते, दिक्कत है ये। अब देखिए यहां पर जो ए और बी ऑप्शन है इसमें गलती क्या है, ए ऑप्शन में क्या बोला गया है, डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। अब बताइए इसका डिटरमिनेंट क्या जीरो होगा, नो सर, बिकॉज़ आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वन और माइनस वन, डिटरमिनेंट जीरो होने का क्या कंडीशन होता है, मिनिमम एक आइगन वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो इस केस में आइगन वैल्यूज आर नॉट जीरो, आइगेन वैल्यूज जीरो नहीं है तो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगेन वैल्यू। डिटरमिनेंट जीरो होने के लिए किसी एक आइगेन वैल्यू को मिनिमम जीरो होना ही पड़ेगा। तो आइगेन वैल्यूज आर नॉन जीरो, तो डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है द डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी प्लस वन, इसमें क्या माइनस वन होगा, मतलब अगर मस्ट बी माइनस वन होता तो करेक्ट होता ही, नो सर, कुछ नहीं दिखता इधर। इस केस में डिटरमिनेंट आइदर प्लस वन होगा और माइनस वन होगा, ये मस्ट बी प्लस वन ये गलत है,
अब मुझे बताइए आइगन वैल्यू अगर वन या माइनस वन है तो उनका प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? सारे आइगन वैल्यूज प्लस वन हुए, प्लस वन जैसे अगर हम चेक करें, सपोज आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 में दो आइगन वैल्यूज होंगे, एक प्लस वन एक माइनस वन, प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस वन. अगर 4x4 मैट्रिक्स है तो चार आइगन वैल्यूज, 2+1 2-1, प्रोडक्ट कितना होगा? प्लस वन. इस केस में जो डिटर्मिनेंट है वो प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है. मस्ट बी प्लस वन, ये गलत है. तो मे बी प्लस वन और माइनस वन. इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, सॉरी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस वन भी आ सकता है, माइनस वन भी आ सकता है. मस्ट बी प्लस वन, ये गलत है. ठीक है, मस्ट बी जो प्लस वन है ये गलत है. ये बी वाला दोबारा बता. सपोज आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. गिवन कंडीशन मतलब ट्रेस जीरो होना चाहिए. तो 2x2 मैट्रिक्स में दो आइगन वैल्यूज होंगे, उनका जो सम है उसी को हम ट्रेस बोलते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीरो होना चाहिए. तो इस केस में आइगन वैल्यूज क्या होंगे? 1 and -1. ठीक है, सम जीरो, एक प्लस वन एक माइनस वन. अब इस केस में बताइए डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू. तो इस केस में डिटर्मिनेंट कितना होगा? माइनस वन. अगर हम 2x2 मैट्रिक्स ना लेके 4x4 मैट्रिक्स लेते हैं, तो चार आइगन वैल्यूज आएंगे और चारों का सम जीरो आना चाहिए. तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जो जीरो गिवन है क्वेश्चन. और आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकता है? वन या माइनस वन. तो बताइए चारों का सम अगर जीरो है तो पॉसिबल, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? दो प्लस वन दो माइनस वन. इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू कितना है? वन. और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू ही डिटर्मिनेंट होता है. तो यहाँ पे चेक कीजिए, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2x2 तो डिटर्मिनेंट आ रहा है माइनस वन. मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 4x4 है तो डिटर्मिनेंट प्लस वन. ऐसे चेक करके देखिए, अगर 6x6 हुआ तो आएगा माइनस वन, 8x8 हुआ तो प्लस वन. तो डिटर्मिनेंट माइनस वन भी आ सकता है, प्लस वन भी आ सकता है. बी ऑप्शन में क्या लिखा गया था? मस्ट बी प्लस वन, मतलब प्लस वन के अलावा कुछ नहीं हो सकता. वो गलत है. प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, वो तो मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है. ठीक है ना? तो ये मस्ट बी जो है ये गलत है. प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है. एनी अदर डाउट? ऑप्शन डी के सबसे गलत होगी. ऑप्शन सी कैसे गलत है, एक बार बता दीजिए. अगर आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 हुआ, सपोज 5x5 लेते हैं, 5x5 में कितने आइगन वैल्यूज आएंगे? 5 आइगन वैल्यूज, λ1 to λ5. अगर 5 आइगन वैल्यूज हैं तो हाफ ऑफ द आइगन वैल्यू प्लस वन और हाफ ऑफ द आइगन वैल्यू माइनस वन कैसे पॉसिबल है? आप इसको हाफ ऑफ कर सकते हैं? 5 आइगन वैल्यूज है. नो सर. ऐसा हो सकता है कुछ प्लस वन, कुछ सपोज ये 3 प्लस वन हुए और ये 3, ये 2 माइनस वन, सम क्या जीरो आएगा? नहीं. सम मतलब ट्रेस तो जीरो नहीं है.
तो हाफ ऑफ नहीं कर सकते ना जब ऑड नंबर आ जाएगा. सपोज दो प्लस वन हुए, तीन माइनस वन हुए, दो प्लस वन होते और तीन माइनस वन होता, हाफ ऑफ करना तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ऑड नंबर है. इनका सम क्या जीरो आता? नहीं, तो ट्रेस जीरो नहीं हो सकता. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रेस तो जीरो होना चाहिए ना. ऑड अगर ऑड ऑर्डर होगा तो ऑड नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगे, इसमें तो हाफ ऑफ कर ही नहीं सकते, जो आधे प्लस वन आधे माइनस वन, तो सम करके जीरो कैसे आएगा? ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. Any other question in this? Hello. सर, सी ऑप्शन में एन को अपन ऑड बोल रहा है तो इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि जैसे कि एन बाय टू जैसे करेंगे तो वो हाफ इंटीजर हो जाएगा, जैसे कि तो हाफ इंटीजर एन का वैल्यू जैसे हो नहीं सकता, इसी कारण से ऐसा कुछ है ना. यही है, यही मोला बोला ना, जो फाइव अगर ऑड होगा तो ट्रेस जीरो नहीं हो सकता ना. अगर ये फाइव ऑर्डर है तो क्या एन बाई टू इंटीजर आएगा? एन अगर फाइव है तो इंटीजर तो आएगा नहीं. तो ये हाफ हाफ आप नहीं कर सकते ना, आधे प्लस वन आधे माइनस वन, ये पॉसिबल नहीं है ना इस केस में. जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में क्या किया था, ऊपर में देखिए आधे प्लस वन है आधे माइनस वन है, ये ऑड के लिए करना पॉसिबल है नहीं. सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. तो पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है क्या. तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो सिमिलैरिटी वर्ड यूज किया गया है ना, ये रिलेटेड है सिमिलर मैट्रिसेस से. अब सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, देखिए क्या बोला गया, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, देन दे विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के ए एंड बी एंड दे आर सिमिलर मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं, देन उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगा. ठीक है, कल हमने देखा था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं वो किससे रिलेटेड है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट किससे रिलेटेड होते हैं बताइए, कल डिस्कस किया था. आइगन वैल्यू से, आइगन वैल्यू से, ट्रेस से, डिटरमिनेंट से. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट होता है वो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज से, मैट्रिक्स के ट्रेस से, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से रिलेटेड होता है. तो सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो ट्रेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू भी सेम आएगा. सो दे विल हैव सेम ट्रेस, सेम डिटरमिनेंट एंड सेम आइगन वैल्यूज. तो ए एंड बी अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उसका मतलब उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होने का मतलब ट्रेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू सेम आएगा. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में लिखा गया है, द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. इसका मतलब हुआ, सपोज आपको किसी क्वेश्चन में कहीं पर आपको थ्योरी पढ़ रहा है, वहां पे लिखा गया ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस, ये कहीं पे लिखा गया ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस. इन दैट केस वी कैन से दैट दे विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जैसे ऊपर लिखा गया सिमिलर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगा, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो ट्रेस, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू भी सेम आएगा.
बट रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. रिवर्स स्टेटमेंट का मतलब सपोज आपको ये बोला गया ये ए एंड बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आपको बोल दिया गया या आपने कैलकुलेट किया और पता चल गया कि सेम आ रहा है. सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आप ए और बी सिमिलर होगा ये जरूरी नहीं है. रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो ए एंड बी सिमिलर होगा ये जरूरी नहीं है. तो ए एंड बी मे बी और मे नॉट बी सिमिलर मैट्रिक्स. ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. रिवर्स स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू नहीं है. अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगा ही. बट दो मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तो वो सिमिलर होगा जरूरी नहीं है. दो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है तब उसको सिमिलर हम कब बोल सकते हैं, जब ए और बी के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा. मतलब ए जो मैट्रिक्स है दिस इज रिलेटेड विथ बी और उसी रिलेशन को हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होना चाहिए एंड ए एंड बी इनके बीच में एक सर्टेन रिलेशन होना चाहिए और वो जो रिलेशन है उसी को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो ए का अगर आपने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपको बी मैट्रिक्स मिलेगा, या बी का अगर आपने इनवर्स सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा. तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो होना चाहिए और ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए तब हम सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आया उसको हमने सिमिलर मैट्रिक्स बोल दिया. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आएगा और इनके बीच में सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट भी करना चाहिए. तो नेक्स्ट हम वही डिस्कस करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो चेक कैसे करते हैं. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा तो ए एंड बी सिमिलर मैट्रिक्स है. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ए एंड बी सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है. क्लियर एवरीवन? यस सर. ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखिए ए एंड बी के बीच में ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. तो देयर शुड बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी सच दैट ऐसा एक रिलेशन एग्जिस्ट करे. यहां पे देखिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया गया, P से पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया. P क्या है अभी बता रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे. तो A एक मैट्रिक्स है, आपने P इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया और P से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स क्या आ गया, B. अगर ये रिलेशन A और B के बीच में एग्जिस्ट करता है तब हम A और B को क्या बोलेंगे, सिमिलर मैट्रिक्स. तो सिमिलर मैट्रिक्स चेक करने का तरीका क्या है, देखिए पहले तो आपको चेक करना है ए एंड बी इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होना चाहिए. तो ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बिकॉज अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही सेम नहीं है तो ये सब कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन. पहले चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आना चाहिए. ठीक है, ये स्टेप वन. इसके बाद क्या चेक करेंगे, दिस प्लस बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी दिस ट्रांसफॉर्मेशन शुड एग्जिस्ट. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होना चाहिए
और ये जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस। सपोज अगर ऐसा हुआ ए एंड बी इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेम है, अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ए एंड बी इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेम है बट ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब क्या हम ए और बी को सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होना चाहिए और ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट भी करना चाहिए तभी हम सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ही एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम सिमिलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। और ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने का बेसिकली कंडीशन क्या है, जो पी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल एग्जिस्ट, इसका मतलब है पी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। P इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा या नॉन इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यही चीज ऊपर लिखा गया, देखिए देयर शुड बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P सच दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। P जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब P इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जब P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करेगा, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी को हम सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सपोज पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पी इनवर्स अगर एग्जिस्ट ना करे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो ए और बी को हम सिमिलर मैट्रिसेस नहीं बोल सकते। इफ द अबव रिलेशन एग्जिस्ट पी इज कॉल्ड सिमिलरिटी मैट्रिक्स। अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है तो पी को हम बोलेंगे सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं, ए एक मैट्रिक्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ए मैट्रिक्स को उसके सिमिलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और बी मैट्रिक्स ए का सिमिलर मैट्रिक्स है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स वन मैट्रिक्स इनटू इट्स सिमिलर मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को उसके सिमिलर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और P को क्या बोला जाता है, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। एंड P एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, P कब एग्जिस्ट करेगा, दैट इज स्कूल लेवल P जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो, बिल्कुल डिटरमिनेंट ऑफ P नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। P इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब P जो भी आएगा उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और आप यहां पे देखिए इसी ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बेसिकली क्या किया गया है, इस स्टेप से इस स्टेप में कैसे जा सकते हैं हम, सो इसकी नाम पी से मल्टीप्लाई करवा दूं, पी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ पी से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई विथ पी। किसी पॉइंट में किसी को डाउट है, ये एडिशन का साइन क्या है बीच में, प्लस क्या, दिस एंड दिस दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए।
सर हम P को डायगोनलाइज मैट्रिक्स इसको B की बात कर रहे हैं P इनवर्स AP जो B मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स होना नहीं जरूरी नहीं है ये डायगोनल मैट्रिक्स इस तरीके से डायगोनलिज्म करते हैं बट उसमें P पर्टिकुलर फॉर्मेट का होना चाहिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जब B ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता इसका एक एप्लीकेशन है डायगोनलाइजेशन वो भी डिस्कस करेंगे कि P को अगर आप प्रॉपरली चूज करें तो B डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा बट B का ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं कब हम सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं कब नहीं बोल सकते तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं फर्स्ट एग्जांपल ये दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी अब देखिए इसमें क्या कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है जैसे मैंने बोला बी का डायगोनल होना जरूरी नहीं दोनों नॉन डायगोनल है तो अब क्या कीजिए इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कीजिए बी मैट्रिक्स जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्लीज चेक लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस टेन इक्वल टू जीरो जो B मैट्रिक्स है सॉरी A जो मैट्रिक्स है इसका भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फाइव लैम्डा प्लस टेन इक्वल टू जीरो तो यहां पे जो दोनों मैट्रिसेस हैं उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है एवरीवन ये आ रहा है हाँ सर यस सर लेकिन जैसे बोला गया जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होने का मतलब वो सिमिलर मैट्रिक्स होगा हम नहीं बोल सकते सिमिलर मैट्रिक्स होने के लिए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब पी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए नेक्स्ट हम वही चेक करेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखा गया था बी इनवर्स बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी बी इक्वल टू ए पी हमें चेक करना है पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता तो यहां पे जो पी मैट्रिक्स है उसको एज्यूम कर लीजिए पी बी एक टू बाई टू मैट्रिक्स ही होगा उसके एलिमेंट्स को हमने अज्यूम कर लिया ए बी सी डी इसे का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए तो पी मैट्रिक्स को हमने अज्यूम किया ए बी सी डी एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स दिस इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज वन टू माइनस थ्री फोर B तो A B तो क्वेश्चन में ही है हमने P मैट्रिक्स अज्यूम किया और इसमें रिप्लेस कर दिया नाउ सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड 5A माइनस 2B 5A 5C माइनस टू डी फाइव सी तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन कीजिए ए प्लस टू सी बी प्लस टू डी माइनस थ्री ए प्लस फोर सी माइनस थ्री ए प्लस फोर डी माइनस थ्री बी होगा ना माइनस थ्री बी
तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दोनों तरफ ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो दोनों तरफ मैट्रिक्स के चार चार एलिमेंट्स हैं, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करेंगे तो चार इक्वेशन आ जाएंगे जिसमें ए बी सी डी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं। इस दोनों तरफ जो चार चार एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, ए बी सी डी के रिलेटेड चार इक्वेशन आ जाएंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आएगा 4a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन आएगा, जब सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करेंगे 5a माइनस b माइनस 2d इक्वल टू जीरो। थर्ड एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो 3a प्लस c माइनस 2d इक्वल टू जीरो। एंड फोर्थ एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो 3b प्लस 5c माइनस 4d इक्वल टू जीरो। तो लास्ट स्टेप में दोनों तरफ अगर आप एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं तो ये चार इक्वेशन आ जाएंगे। इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके, बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, चार इक्वेशंस हैं, चार अननोन्स हैं ए बी सी डी, तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ए बी सी डी के वैल्यूज मिलेंगे। इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो हमारा भी इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सॉल्विंग दिस इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कैसे करना, आई थिंक एवरीवन नोस, स्कूल लेवल में टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल तो किया ही था, ये चार वेरिएबल्स है, ठीक है, फोर वेरिएबल्स है, द फोर अननोन्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी का वैल्यू आएगा, ए इज वन, बी इज वन, C is 1 and D is 2. इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A, B, C, D इनके ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बताइए A, B, C, D बेसिकली क्या था, P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो थे जो सिमिलरिटी मैट्रिक्स हमने जिसको बोला था, तो ए बी सी डी जिनका वैल्यू हमने ये चार इक्वेशन सॉल्व करके पता कर लिया। सर लास्ट इक्वेशन में 3a यानी 3b है, 3b प्लस 5c लास्ट इक्वेशन ना, 3b आएगा, चेक कीजिए 3b आएगा। P matrix will be this 1 1 1 2 are the elements of P matrix. अब बताइए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है या नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? Yes sir. So P इनवर्स will exist. और P इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा। और सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो A और B को आप क्या बोल सकते हो, A एंड B मैट्रिक्स को सिमिलर मैट्रिक्स। तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन विल आल्सो एग्जिस्ट, हम A एंड B को सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सर डिटरमिनेंट नॉन जीरो। नॉन जीरो, बिल्कुल सही।
सो ए एंड बी, जो ए और बी मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था वो सिमिलर मैट्रिसेस हैं। इस स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। तो सिमिलर मैट्रिक्स है या नहीं है चेक करने के स्टेप्स क्या हैं? पहले आपको चेक करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है या नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही सेम नहीं है तब तो वो सिमिलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो पहले चेक करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आ रहा है तब चेक करना पड़ेगा पी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए और बी के बीच में जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी एग्जिस्ट करेगा। अगर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है तो ए और बी को हम सिमिलर मैट्रिसेस बोल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक एवरीवन एग्जांपल क्लियर आई है कैसे चेक कर रहे हैं। डिटरमिनेंट पी जीरो आ जाए फिर तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना? नहीं होगा बिल्कुल। सो नेक्स्ट एग्जांपल वही आएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोसीड कर रहा हूं। सर बैकस्लैश थैंक यू सर। नेक्स्ट दिस वन। यहां पे भी दो मैट्रिसेस गिवन है। जो बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है। चेक करके देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो। जो ए मैट्रिक्स है उसका भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आया। लैम्डा स्क्वायर माइनस टू लैम्डा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेम आ गया। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ये हमें चेक करना है। तो बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी दोनों तरफ अगर आप पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी बी इक्वल टू ए पी। सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है जो पिछले एग्जांपल में किया है। पी को एज्यूम करेंगे एलिमेंट्स ए बी सी डी, तो पी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया 1 0 0 1 इक्वल टू ए पी। ए मैट्रिक्स इज 1 1 0 1 इंटू पी मैट्रिक्स ए बी सी डी। जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए और दोनों तरफ एलिमेंट्स को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो पी मैट्रिक्स ही आ जाएगा बिकॉज बी जो है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिस एंड राइट हैंड साइड ए प्लस सी बी प्लस डी सी डी। तो बताइए जब आप एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तब आपको क्या पता चल रहा है? C0 D0 C0 and D0। ए बी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, सी और डी के बारे में पता चल रहा है। C0 D0 ए बी के बारे में कुछ मतलब कुछ हो सकता है, यहां से तो कुछ पता नहीं चल रहा। C0 D0। अब बताइए सी और डी दोनों अगर 0 0 हो जाए जो पी मैट्रिक्स है वो बन जाएगा ए बी 0 0। पहले दो एलिमेंट्स ए बी, थर्ड एलिमेंट सी 0, फोर्थ एलिमेंट डी 0। इसका डिटरमिनेंट कितना है? 0 0
तो डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो क्या पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो पी इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। और पी इनवर्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या हम ए एंड बी को सिमिलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं सर, नहीं बोल सकते। सो ए एंड बी आर नॉट सिमिलर मैट्रिक्स, ऑल्दो इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम। आर नॉट तो इस एग्जाम्पल में ए एंड बी इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, बट ये सिमिलर मैट्रिसेस नहीं है बिकॉज पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और सिंस पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट बताया गया था ए एंड बी इनका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, वो सिमिलर मैट्रिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे जो पहला एग्जाम्पल डिस्कस किया, फर्स्ट एग्जाम्पल में ए एंड बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम था एंड ये दोनों सिमिलर मैट्रिसेस भी है बिकॉज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। बट जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है बट ए एंड बी सिमिलर मैट्रिसेस नहीं है बिकॉज पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर सेम आता है वो सिमिलर मैट्रिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है तो सिमिलर मैट्रिक्स होगा, ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो सिमिलर मैट्रिक्स नहीं होगा। हमने इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स डिस्कस किए। किसी पॉइंट में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सर, ये पी मैट्रिक्स हर क्वेश्चन में ऐसे ही इक्वेशंस के थ्रू ही निकालनी पड़ेगी? इस केस में तो पी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इस केस में डायगोनलाइजेशन में अलग टेक्निक। अभी कुछ देर बाद हम देखेंगे जो बी है, जो यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जस्ट वन मिनट, यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है तो पी मैट्रिक्स निकालने का एक डिफरेंट टेक्निक भी है आइगन वेक्टर यूज करके, वो हम डिस्कस करेंगे, बट प्रोवाइडेड बी डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर यहाँ पर हम सी और डी को जैसे हमने हेलो सर यहाँ पर हम सी और डी को जैसे हमने जीरो पहले ही पता चल गया, आवाज नहीं आ रही है। सी और डी जीरो आ गया? हाँ बताइए, सी और डी जीरो आ गया तो? हाँ सर, उसके बाद सर जब बी इक्वल टू हम ए और बी लिख रहे हैं सर, उसको भी हम जीरो नहीं कर सकते जैसे हम सी और डी को जीरो हमने लिखा उस टाइप से? ये जीरो के अपने मर्जी से लिख रहे हैं या कंपेयर करने पे आ रहा है? सर कंपेयर करने पे आ रहा है, फिर जैसे कि सी और डी का वैल्यू हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फिर ए और बी का भी वैल्यू मतलब जीरो आ जाए। ए और बी का वैल्यू का यहाँ से आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन ये है, ए बी का वैल्यू जीरो है यहाँ पे पता चल रहा है क्या आपको? जैसे यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो सी और डी जीरो पता चलेगा इसलिए हम जीरो लिख रहे हैं, यहाँ से क्या ए और बी का वैल्यू पता चलेगा? तो हम अपने मन से तो ए बी का वैल्यू जीरो जीरो नहीं लिख सकते ना। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अभी हमने देखा था जो ए एंड बी अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो उनका ट्रेस डिटरमिनेंट आइगेन वैल्यू सेम होगा। अब क्वेश्चन आता है आइगेन वैल्यू सेम है, अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो आइगेन वैल्यू सेम आएगा, बट क्या आइगेन वेक्टर सेम आएगा? आंसर इज नो। यही फर्स्ट पॉइंट लिखा गया, इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस देन दे विल हैव सेम आइगेन वैल्यूज बट नॉट सेम आइगेन वेक्टर्स। ए एंड बी अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उनका आइगेन वैल्यू सेम आएगा
बट आइगन वेक्टर सेम नहीं होता। आइगन वेक्टर के बीच में एक पर्टिकुलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वो सेकंड पॉइंट लिखा गया। इफ एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, देन पी इनवर्स एक्स विल बी द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी कॉरिस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू। तो ए के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। बी के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या है? लैम्डा। बिकॉज ए एंड बी सिमिलर मैट्रिसेस हैं, ए एंड बी अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो आइगन वैल्यू सेम आएगा, यहां पे भी लैम्डा यहां पे भी लैम्डा, तो ए बी का आइगन वैल्यू सेम है, बट आइगन वेक्टर सेम नहीं होगा, उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर अगर एक्स आता है तो बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर आएगा पी इनवर्स एक्स। ये पी इनवर्स वही मैट्रिक्स है जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, पी इज द सिमिलरिटी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर, जस्ट वन मिनट, ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर अगर एक्स है, बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा पी इनवर्स एक्स। ये काफी आसानी से आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं, ये पी इनवर्स एक्स ही क्यों लिखा गया है। सपोज हम मान के चलते हैं जे एक्स जो है वो ए का आइगन वेक्टर है, तब क्या लिख सकते हो? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए कॉरिस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। एक्स ए का आइगन वेक्टर है लैम्डा के कॉरिस्पॉन्डिंग। हमें क्या चेक करना है? पी इनवर्स एक्स बी का आइगन वेक्टर होना चाहिए। पी इनवर्स एक्स अगर बी का आइगन वेक्टर है तो वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम क्या करते हैं? पी इनवर्स एक्स के ऊपर बी ऑपरेट कर देते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करती है, देखते हैं क्या आता है। b इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं? फॉर सिमिलर फ्रॉम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन b इक्वल टू p इनवर्स ap। तो b के बदले हमने p इनवर्स ap रिप्लेस किया एक्टिंग ऑन p इनवर्स x। अब यहां पर ये जो p इनवर्स है इस प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हो? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, p इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इक्वल टू हो जाएगा पी इनवर्स ए एक्स। ठीक है, पी इनवर्स ए एक्स। अब यहां पे देखिए जो ए एक्स है, ए एक्स के बदले आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? लैम्डा एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, तो इक्वल टू पी इनवर्स लैम्डा एक्स। इस स्टेप में जस्ट हमने क्या किया है? ए एक्स के बदले लैम्डा एक्स रिप्लेस कर दिया, जो बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन है, इसके बदले ये रिप्लेस कर दिया। अब लैम्डा तो एक नंबर है ना, लैम्डा कोई मैट्रिक्स तो है नहीं, लैम्डा एक नंबर है। तो देखिए लैम्डा को आप पहले लिख सकते हैं लैम्डा पी इनवर्स एक्स। लैम्डा एक नंबर है तो आप ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमने स्टार्ट किया था बी एक्टिंग ऑन P इनवर्स X और इक्वल टू क्या चला आया? लैम्डा टाइम्स P इनवर्स X। ये जो रिलेशन आया ये क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है? यस, दिस इज द आइगन वैल्यू इक्वेशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स B। अब देख सकते हैं इसमें P इनवर्स X को क्या बोलेंगे? आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स बी, और लैम्डा को क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। तो वही चीज ऊपर लिखा गया है, अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर एक्स होता है तो बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर होगा पी इनवर्स एक्स। दोनों के लिए आइगन वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी लैम्डा है यहाँ पे भी लैम्डा, आइगन वैल्यू सेम है बिकॉज सिमिलर मैट्रिक्स है। ए का आइगन वेक्टर अगर एक्स है तो बी का आइगन वेक्टर पी इनवर्स एक्स होगा। क्लियर एवरीवन? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है जो ए बी सिमिलर मैट्रिक्स है, ए का आइगन वेक्टर गिवन है, बी का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करो। अगर हमें ए का आइगन वेक्टर पता है एक्स,
उसके साथ सिर्फ पी इनवर्स मल्टीप्लाई करना है तो आपको बी का आइगन वेक्टर मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है इसमें एनीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जो हमने सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो टीएफआर में पूछा गया था, टीएफआर 2010। सर एक डाउट था भाई। बताइए सर, जैसे ए का दिया है तो हम पी इनवर्स कर दे रहे हैं, अगर बी का दिया है तो पी करेंगे? पी करें। सपोज अगर आपने ऐसा सोचा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अब मुझे बताओ जो पी इनवर्स है जो बी का आइगन वेक्टर है, अब बोल रहे हो बी का आइगन वेक्टर पता है तो ए का कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है ना? हाँ सर। ठीक है, सपोज बी का आइगन वेक्टर हमें पता है तो बी का आइगन वेक्टर क्या है? पी इनवर्स एक्स, इसको हमने बोल दिया वाई। अब मुझे बताइए पी इनवर्स एक्स अगर वाई है, यहां से आप एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पी वाई। और ये जो एक्स है वो ए का ही तो आइगन वेक्टर है, तो इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है। जब बी का आइगन वेक्टर गिवन हो, ए का कैलकुलेट करो, तो बी का आइगन वेक्टर अगर वाई है, ए का आइगन वेक्टर लिखेंगे पी वाई। पी इज द सिमिलैरिटी मैट्रिक्स। क्लियर ना? क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा गया है दिस मैट्रिक्स कैन बी रिलेटेड बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स से रिलेट कर सकते हैं यूजिंग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये सोचिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम कौन से मैट्रिक्स को रिलेट करते हैं? सपोज ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ये जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कौन से मैट्रिसेस को रिलेट करता है, ये किसके बीच में रिलेशन है, किन दो मैट्रिसेस के बीच? ए एंड बी। तो ये जो है ये ए और बी को रिलेट करता है। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट्स ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो हमें इनमें से एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा कैलकुलेट करना है। सपोज क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है हमें और कैलकुलेट क्या करने को बोला गया है, बी मैट्रिक्स क्या है, बिकॉज़ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इसे हम ए और बी को ही तो रिलेट करते हैं, तो एक मैट्रिक्स गिवन है दूसरा कैलकुलेट करना है, ए गिवन है बी कैलकुलेट करना है या बी गिवन है ए कैलकुलेट करना है, यही तो क्वेश्चन है बेसिकली। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ट्रेस और डिटरमिनेंट कर। देखिए ध्यान रखिएगा इसमें पी कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं, आपको लगेगा कि पी कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो मेंशन किया गया है ना, इसका मतलब पी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसमें आपको चेक करने का जरूरत नहीं है कि पी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जब क्वेश्चन में यह मेंशन किया गया दिस मैट्रिसेस आर रिलेटेड बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब पी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है जो पी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट ना करता तो ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखा नहीं होता। डी इनवर्स एग्जिस्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस तो उनका ट्रेस डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू इक्वल होगा। अगर हम ट्रेस चेक करते हैं, ट्रेस ऑफ ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रेस कितना है? थ्री। जो करेक्ट आंसर होगा बी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रेस भी कितना आना चाहिए?
थ्री आना चाहिए। अब मुझे बताइए कौन से ऑप्शन में ट्रेस थ्री आ रहा है? बी और डी एंड डी बी एंड डी एंड डी तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। ए और सी में ट्रेस ही मैच नहीं कर रहा है, सिमिलर मैट्रिक्स है तो ट्रेस से माना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप डिटरमिनेंट चेक करते हो, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? माइनस वन। माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, हाँ माइनस वन। तो जो बी मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट भी माइनस वन आना चाहिए। इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे? बी एंड डी, बाकी दो एलिमेंट हो चुके हैं। इस कंडीशन को सिर्फ ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। बी और डी में जो मैट्रिक्स है दोनों का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, सेकंड ऑप्शन में डिटरमिनेंट माइनस वन नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन में माइनस वन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन करेगा। दोनों मैच करने चाहिए ना, ट्रेस भी मैच करना चाहिए, डिटरमिनेंट भी मैच करना चाहिए, तो सिर्फ डी ऑप्शन में कर रहा है। आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ना आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने का जरूरत है, ना पी कैलकुलेट करने का जरूरत है, जस्ट ट्रेस डिटरमिनेंट मैच करा के ही हम आंसर बता सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो लेट्स टेक ए ब्रेक, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करना। सारी स्लाइड शो कर दीजिए। लास्ट में सर, ये बी ब्रैकेट में पी इनवर्स एक्स कैसे लिखा है सर? ये तो लिखा नहीं है, तो चेक कर रहे हैं इसके ऊपर ही ऑपरेट करने पे आइगन वैल्यू इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके सर ठीक। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका आइगन वेक्टर होना चाहिए, वो चेक कर रहे हैं। ओके सर। सर थोड़ा नीचे वाला बता दीजिए ना, ये नीचे क्या लिखे थे थोड़ा दूसरा, मतलब कि अपोजिट जस्ट उसका वाला। यहाँ पे मैंने बोला अगर बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर पता है तो ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर पी इनवर्स एक्स है, सपोज इसका मैंने वाई मान लिया, तो ये वाई हमें पता है, बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर वाई है ये हमें पता है, ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर एक्स कैलकुलेट करना है, तो पी इनवर्स एक्स अगर वाई है तो एक्स को हम पी वाई नहीं लिख सकते, दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगर बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर वाई है तो ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर एक्स होगा, और एक्स इक्वल टू क्या है? पी वाई। तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि बी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर गिवन है, मतलब वाई गिवन है, और ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पी सिमिलरिटी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे ए का आइगन वेक्टर अगर एक्स हमें पता है तो बी का आइगन वेक्टर पी इनवर्स एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपोजिट ऑर्डर में अगर हमें बी का आइगन वेक्टर पता है, ए का आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ए एंड बी सिमिलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है, उसका कोई भी हालत में मतलब आइगन वैल्यू, मतलब आइगन वेक्टर सेम नहीं आएगा ना कोई भी हालत में, कोई भी कंडीशन में? सर प्लीज एक बार लास्ट स्लाइड शो कर देंगे। थैंक यू सर। ए और बी का आइगन वेक्टर सिर्फ एक ही कंडीशन में सेम आ सकता है, अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है ना वो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स हो तो, अदरवाइज नॉन डायगोनल के लिए तो नहीं आएगा। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। स्लाइड शो कर दीजिए, सेकंड क्लास के लास्ट में एक साथ कर दूंगा। ओके okay.